बंजर पड़े उद्यान को पूर्व जिला महामंत्री ने अपने जन्मदिवस पर हरा भरा करने की ली जिम्मेदारी। खबर जानते हैं विस्तार से। शिवगंज शहर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित बिंदल ऑयल मिल के सामने बने उद्यान को उद्योग संघ के अध्यक्ष दिनेश बिंदल ने आमजन के लिए एक अनूठी पहल को कायम करते हुए प्रकृति को लेके एक अच्छा संदेश देते हुए अपने 59वें जन्मदिवस के अवसर पर उद्यान को गोद लिया। आपको बता दें, लगभग 2 बीघा के आसपास औद्योगिक क्षेत्र स्थित बीते कई वर्षों से चार दीवारी के अंदर बंजर भूमि पड़ी थी, जिसका जिंदल ने अपने 59 सालों के अंदर पहली बार जन्मदिवस मनाते हुए इसका उद्धार करने की पहल की। बिंदल ने बताया कि इस उद्यान के अंदर हरे भरे फलदार एवं पक्षियों के लिए वृक्षों को लगा के उनका संरक्षण करने की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी, जहां पर बिंदल ने गौ सेवकों के द्वारा गौवंशों के लिए हरे चारे की व्यवस्था भी करवाई। इस कार्यक्रम को लेकर उद्योग संघ के कई उद्यमी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगर पालिका पार्षद, समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक एवं वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। मेरे जीवन में पहली बार मैंने ऐसा वक्त किया कि जन्मदिन पे मैंने वृक्षारोपण किया। मैंने आज दिन तक मेरा जन्मदिन मनाया नहीं है, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि मैं हर साल इसी तरह ऐसे एक गार्डन का डेवलपमेंट करूंगा। और जो गार्डन पे मैंने पौधे लगाए हैं, ये मेरी पूरी जवाबदारी है। मैं इसको गोद लेता हूं कि 12 महीने जो भी इसका खर्चा उन्होंने होगा, और जब तक ये पेड़ बड़े नहीं हो जाते हैं, 12 महीने हो या 2 साल हो, मैं इनकी पूरी देखभाल करूँगा। बहुत शुक्रिया। लोगों को भी प्रेरणा के लिए आप क्या दो शब्द कहना? मेरे उद्योग संघ के और आए हुए सारे जितने भी मेरे मेहमान हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि घर में कोई भी शुभ काम हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे ब्याह शादी हो, चाहे घर में कोई भी अच्छा काम हो, ये ऐतिहासिक काम करना चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ियों का और वातावरण का बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। जय श्री।